What is up your family, क्या हाल चाल? Welcome back to my new vlog. And काफी मतलब एक डेढ़ दो महीने बाद हर vlog में ये बोलता हूँ, दो महीने बाद vlog start हो रहा है. And कुछ लोग पूछ रहे थे भाई क्या हुआ vlogs नहीं आ रहे हैं, और भाई vlogging छोड़ दी गया. जो अपने को देखते हैं जितने भी लोग देखते हैं भाई वो पूछ रहे थे, तो यार vlogging का अपना ऐसे ही चल रहा है, किस्तों में चल रहे हैं vlog, लेकिन vlogging छूटेगी नहीं, vlogging चलती रहेगी. अब देखता हूँ, कोशिश करूँगा कंटिन्यू करने की. और फिलहाल आज हम आए हुए हैं कैंची धाम मंदिर, नीम करौली बाबा के दर्शन करने. तो मैंने कहा यार, मतलब कई बार मैं कई जगह पे गया लेकिन शूट नहीं करा. मैंने कहा यार आज फाइनली कर ही लेता हूँ. वैसे मंदिर में ज़्यादा शूट करने तो नहीं देते, लेकिन जितना भी देंगे देखते. फिलहाल पीछे पार्किंग है, देख सकते हो, पार्किंग से आ रहा हूँ. और चलते भाई, फैमिली के साथ आया हूँ, फैमिली गई आगे, चलते दिखाते हैं आपको. सो अभी गाइस यहाँ पे रुके हम प्रसाद लेने के लिए, और यहाँ पे भी प्रसाद लेते हैं, उसके बाद चलते हैं अंदर मंदिर के. और भीड़ भी यार काफी हो रही है. सो फाइनली गाइस मंदिर के अंदर आ चुके हैं, और अभी हम लगे हैं लाइन में. और गाइस यहाँ पे सभी भक्त बैठे हुए हैं, और सभी के सभी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, और कुछ ध्यान पे बैठे हैं. बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है गाइस. तो गाइस अभी बाबा के दर्शन करके आ चुके हैं, और अभी चलते हैं फिलहाल गाड़ी के पास, उसके बाद बताता हूँ मैं आपको अब कहाँ जा रहे हैं हम. सो अभी गाइस हम यहाँ पे एक शॉप पे आए थे, जहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ थी, महादेव की मूर्तियाँ थी, और मंदिर रखे थे ऐसे नीम करौली बाबा के फ़ोटोज़ थे. ये लाइट वाले फ़ोटोज़ हैं जो कि डायरेक्टली प्लग में कनेक्ट होकर लाइट जलती है, और कुछ ऐसी टी शर्ट भी थी, और मंदिर के लिए काफ़ी सारा सामान बिक रहा था, आप आओगे तो ले सकते हो. सो गाइस अभी फाइनली आ चुके हैं, और अभी जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास. और भाई साहब मतलब भीड़ इतनी हो रही थी ना, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन भाई साहब खतरनाक भीड़ हो रही थी आज. और शूट तो मैंने कम ही करा, देखा होगा आपने, क्योंकि अलाउड है नहीं शूट, साफ साफ लिखा था नो वीडियो नो फोटो. तो मैंने बिल्कुल वहाँ पे कैमरा ऑन नहीं करा, थोड़ा शूट करके दिखा दिया था आपको. और फिलहाल अभी हमारा प्लान बना है, हम घर जा रहे थे यार, फिर हमने कहा यार इतने दिनों बाद निकले हैं ना घर से, गर्मी भी इतनी हो रही है, तो घर जाके क्या ही करेंगे. तो हमने प्लान अभी बनाया भाई, नैनीताल चलते हैं, शाम का टाइम हो ही रहा है, नैनीताल चलते हैं, नैनीताल दिखाएंगे आपको नाइट व्यू. और जिसके साथ आए हम भाई ड्राइवर साहब, उन्होंने मना करा भाई मुझको मत दिखाना ब्लॉग में आने से, वो शर्माते हैं. तो हम चलते हैं फटाफट और आपको दिखाते रहेंगे. तो अभी गाइस रात हो चुकी है जाते जाते नैनीताल, और क्यों हो चुकी है वो देख सकते हो आप, कितना तगड़ा जाम लगा पड़ा है, पिछले एक घंटे से फंसे हैं इस जाम में हम. फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं हम नैनीताल, और अभी हमें पार्किंग यहाँ मिल नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से पार्किंग मिली है, गाड़ी लगा रहे हैं, और पहले गाड़ी पार्क हो जाती है उसके बाद चलते हैं घूमने. ये देखो भीड़ कितनी हो रही है यार. गाइस देव भी चढ़ रहा है भाई, और रोम के चक्कर में हम देख लो कहाँ चढ़ रहे हैं भाई, पूरे चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, और हालत ख़राब हो चुकी है हमारी. हाँ देखते हैं यार कब मिलता है अपने को रूम. तो गाइस रूम ढूंढ ढूंढ के थक गए यार, लेकिन रूम नहीं मिला हमें. भाई साहब इतना तगड़ा चल रहा है ना यहाँ पे सीन, रूम सभी फुल है भाई, कहीं रूम ही नहीं है यार. और दोबारा से पार्किंग में आके और गाड़ी के अंदर सामान रखने आना पड़ा है. और अब चलते हैं भाई, अब लेते हैं मज़े नैनीताल के, और नाइट व्यू दिखाते हैं आपको. रूम नहीं मिला कोई नहीं, निकल लेंगे घर, देखते हैं जो भी करते हैं. सो गाइस अभी आ चुके हैं हम चाय सुट्टा बार, और यहाँ पी रहे हैं भाई चाय, यहाँ बैठी मम्मी, यहाँ बैठा देव भाई, इसको भी मज़ा आ रहा है, और चाय चुई पी के चलते हैं भाई कुछ खाने बाहर. तो अभी गाइस हमने पी चाय सुट्टा बार में चाय, और अजीब सा टेस्ट था यार उसका, और अब जा रहे हैं थोड़ा खाने यार कुछ, देखते हैं क्या खाते हैं. गाइस हमने लिया है यहाँ पे वेज थुप्पा, कैसा लग रहा है मम्मी? भाई पता नहीं कैसा है, हम भी टेस्ट कर लेते हैं. चौमी नहीं भाई, ये क्या है थुप्पा? चौमी नहीं तो जो हमने आते समय खाई थी हल्द्वानी में, दिखाया नहीं था आपको, ये कैसा थुप्पा है? पता नहीं क्या थुप्पा उप्पा नाम रख दिया है चौमिन. सो अभी मंगाए हैं वेज मोमोस, और क्या क्या खाओगे मम्मी? सब वेज ही खाना है यार, क्योंकि आज हम मंदिर से आ रहे हैं, नॉन वेज तो खा नहीं सकते. तो गाइस जो मोमोस है ना यहाँ के, ये देखो भाई दिखने में कुछ ऐसे हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट है भाई बता नहीं सकता, इतना तगड़ा हो रहा है, मज़ा आ गया मोमोस में, मज़ा आ गया. मेहमान आ गया भाई हमारे पास यहाँ पे, देख लो भाई आँखें चमक रही है. या वो तेरा साथ ही चला गया भाई, चले जा. अरे तेरा दोस्त चला गया, चले जा. अरे चले जा भाई, भाई यहाँ के जो कुत्ते हैं बहुत तगड़े हैं यार, रोड बिलर लग रहे हैं सारे, ये देखो ये देखो. सो अभी गाइस फाइनली हम आ चुके हैं एक रेस्टोरेंट में खाने की तलाश में, जो कि अभी तक नहीं मिल रहा था,
और फालतू बाहर का तो बहुत कुछ खा लिया, दिखा दिया आपको, और अब बस यहाँ पे खाना खाएंगे। देव यहाँ बैठा भाई, आ रही है भाई, जो यहाँ पे नॉर्मल वेज थाली है, जो नॉर्मल यहाँ पे वेज थाली है वो ही ले रहे हैं हम। क्या क्या है उसमें दिखाते हैं, और बाहर लोग मुझे देख रहे हैं भाई, जैसे क्या कर रहा हूँ लोग थाली क्यों देख रहे हैं यार, व्लॉगिंग कर रहे हैं भाई, इसमें क्या बड़ी बात है। सो गाइस, अभी हमारी वेज थाली आ चुकी है, इसमें कुछ रोटियाँ हैं, इसमें तंदूरी, एक रायता है, और ये थोड़ी सब्जियाँ हैं वेज, और ये अचार और स्पेशल चटनी हाथ की। कैसा लग रहा भाई, कैसा टेस्ट है? एवरेज है भाई। सो अभी गाइस अपने खाना पीना सब हो चुका है, और बस यार अभी अपने को रूम तो मिले नहीं, अपना प्लान था रुकने का, और कल भाई और घूमते और एक जगह और जाना था हमें, तो रूम वूम मिल नहीं रहा है कुछ, और भाई यहाँ फिर रात भर तो घूम नहीं सकते। अब चल रहे हैं फिर हम घर के लिए, निकल रहे हैं यहाँ से, और बाकी यार ब्लॉग घर पे जाके तो एंड हो नहीं पाएगा मुझसे, तो यहीं एंड कर देता हूँ अगर ब्लॉग आज का हमारा, इतने दिनों बाद आ रहा है भाई। अगर पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चाहो तो शेयर कर देना। लव यू ऑल, बाय बाय। सो अभी गाइस यहाँ पे हो चुका है तकड़ा कांड भाई, देख सकते हो ट्रक के अंदर पूरी इनोवा घुस चुकी है। हम जा रहे थे घर टाणा जंगल में, कांड हुआ है, रात के 1 बज रहे हैं इस टाइम, और भाई देख सकते हो बंदा जो बैठा है ट्रक पे वो बता रहा है कि भाई इसमें 5 से 6 लोग थे, जिसमें ड्राइवर की ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी है, और ये एक्सीडेंट शायद से ये बता रहे हैं भाई नींद की वजह से हुआ, ड्राइवर को नींद आ गई और डिसबैलेंस गाड़ी हुई, ट्रक में घुस गई भाई, इसलिए कहते हैं नींद पूरी करो और गाड़ी सेफ चलाओ।